नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूँ रीना। भारत के प्राचीनतम इतिहास में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक योगदान है। इसकी उन्नति और श्रेष्ठता यहाँ के भवनों की भव्यता और उसमें हवा और प्रकाश की सुविधा को देखकर समझा जा सकता है। वास्तुशास्त्र में घर के हर एक कोने से जुड़ी हुई चीजों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर हम अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं, साथ ही घर की कंगाली भी दूर कर सकते हैं। जिस घर में कला का वातावरण रहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने घर के वास्तु को एक बार देखे। अगर कोई कमी दिखाई देती है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। अपने घर या ऑफिस में एक्वेरियम में मछलियां रखते हैं, इससे उनके घर की शोभा बढ़ जाती है। साथ ही साथ ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार में होने के कारण घर में मछलियां रखने पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में खुशहाली आती है। जिस घर में मछलियां रहती हैं, उस घर में बीमारियां नहीं रहती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मछलियों की सफलता देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, जिसके कारण लोगों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मछलियों हमें कर्जदार होने से बचाती है। घर या ऑफिस के पूर्व या उत्तर पूर्व की दिशा में फिश एक्वेरियम रखने पर धन संपदा में वृद्धि होती है। मछलियां सौभाग्य का सूचक है, इसलिए जो भी लोग जिंदा मछलियां नहीं पालना चाहते, वे धातु की मछलियां लाकर वास्तु के अनुसार अपने घर पर रखते हैं, जिससे उनके घर में संपन्नता बढ़ती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।